हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, दोस्तों, तो ये वीडियो लेक्चर पूरा आपके लिए मैं डिजाइन कर रहा हूँ, जिसमें एनसीईआरटी में जितने भी रिएक्शन दिए हैं वो सब यहाँ पे एक एक करके मैं लिख के समझा रहा हूँ। ओनली एनसीईआरटी के रिएक्शंस में समझा रहा हूँ। तो आपकी केमिस्ट्री की जो प्रिपरेशन है, ठीक है, पर्टिकुलर गुजरात बोर्ड का जो एग्जाम आ रहा है उसके लिए आपकी प्रिपरेशन बूस्ट हो जाएगी, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी रिएक्शंस यहाँ पे हैं एनसीईआरटी में वो सब लिखूंगा मैं, और एक एक करके मैं आपको जल्दी से वो समझा दूंगा, शॉर्ट ट्रिक आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं सबसे पहले रिएक्शन से। ROH का रिएक्शन HCl से ये हम लिख रहे हैं पेज नंबर 294 से। ठीक है, आपको एनसीईआरटी ओपन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, यहाँ पे ध्यान होना चाहिए आपका। तो एल्कोहल से OH और यहां से H, H2 निकल जाएगा और ये बन जाएगा RCl। चलिए ROH के अंदर हम ऐड करेंगे NaBr प्लस H2SO4, तो यहां पे क्या बनेगा देखते हैं। तो यहां पे हमें याद रखना है R प्लस OH माइनस Na प्लस Br माइनस H प्लस HSO4 माइनस। तो ये जो आपको दिख रहा है R, उसके साथ हमें हटाना है Br को, तो प्रोडक्ट बन जाएगा RBr प्लस Na के साथ आप निकाल दो दोस्तों HSO4 को, तो ये बन गया NaHSO4। और दोस्तों जो बाकी रहा H प्लस, उसके साथ निकाल दो OH को, तो ये बन गया H2O। चलिए तो नेक्स्ट रिएक्शन अब करते हैं। ROH जो है उसका रिएक्शन है PX3 के साथ, क्योंकि बेटा यहां पे X3 है तो R भी 3 होने चाहिए, तो बन जाएगा 3RX प्लस 3X प्लस OH 3 है और P 1 है, OH 3 है और P 1 है, तो बन गया H3PO3। नेक्स्ट ROH प्लस PCl5, R के साथ एक Cl निकल जाएगा, ठीक है, H के साथ एक Cl निकल जाएगा, तो Cl 3 बाकी रहे, एक O बाकी रहा और एक P, POCl3 बन जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट ROH प्लस X2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फरस। X2 यहां पे हो सकता है Br2 and I2। R के साथ X निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है, और बाकी प्रोडक्ट बनेगा HOX। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ROH के अंदर हम ऐड करेंगे SOCl2। R के साथ आप निकाल दो Cl, RCl, SO के साथ O, तो यहां पे बन जाएगा SO2 प्लस H के साथ दोस्तों आप निकाल दो Cl को, तो बन जाएगा HCl। यहां पे मैं बिल्कुल भी लिख नहीं रहा कौन सा रिएक्शन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसा कुछ भी नहीं लिख रहा मैं। एनसीईआरटी में जितने भी रिएक्शन है पेज बाय पेज वो यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है बेटा, ताकि आपकी केमिस्ट्री के जो प्रिपरेशन है वो रिएक्शन वाइज बूस्टअप हो जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। नाउ ये है बेटा नॉर्मल ब्यूटेन और हमने ऐड किया है क्लोरीन। तो जब एल्केन का क्लोरीनेशन होता है तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे वो डिपेंड करता है एल्केन में कितने टाइप की कार्बन है। तो अब देखो दोनों एंड वाले कार्बन प्राइमरी है और जो बीच में है वो सेकेंडरी है, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक प्राइमरी हैलाइड बनेगा और एक सेकेंडरी हैलाइड बनेगा। तो एक बार हमने प्राइमरी कार्बन से H निकाल के Cl लिख दिया और फिर हम सेकेंडरी कार्बन से H निकाल के Cl लिख देंगे, ठीक है बेटा, समझ आ गया आपको। 1-chloro-butane एंड 2-chloro-butane बनेगा। चलो बेटा नेक्स्ट यहां पे रिएक्शन गिवन है
सी डबल बॉन्ड सी के अंदर एडिशन ऑफ एच एक्स, बहुत इजी रिएक्शन है। यहाँ पे आप एच ऐड कर दो और दूसरे कार्बन पे आप एक्स ऐड कर दो। नेक्स्ट टाइटल, प्रोपीन के अंदर आप एच आई ऐड करोगे तो यहां पे दो डबली बॉन्डेड कार्बन जो है उसमें आई जो है स्टेबल कार्बन जो होगा है ना, वो वाला प्रोडक्ट हमारा मेजर होगा। तो आई हम यहां अटैक, जब आई सी एच पे अटैक करेगा तो वो प्रोडक्ट मेजर होगा, और जब आई कॉर्नर पे अटैक करेगा टर्मिनल हैलाइड जो है वो माइनर होगा। याद रखें ये माइनर है और ये जो प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन है और ये प्राइमरी कार्बन है इस वजह से। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं रिएक्शन, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, उसके अंदर ऐड किया गया है ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सी सी एल फोर। ये एडिशन रिएक्शन के अंदर डबल बॉन्ड ब्रेक करके दोनों कार्बन पे बी आर अटैच कर देंगे अपने। नेक्स्ट रिएक्शन आर एक्स के अंदर हम ऐड करेंगे एन ए आई, बहुत इजी है ये, आर के साथ आई को हटा दो, क्या बाकी रहा, वेरी गुड एन एक्स बाकी रहा। सी एच थ्री बी आर के अंदर ऐड कर दो ए जी एफ, सी एच थ्री के साथ एफ हट जाएगा दोस्तों, बाकी रहा ए जी के साथ बी आर। नेक्स्ट रिएक्शन स्टूडेंट्स टॉलुइन लेंगे, हैलोजिनेशन करेंगे Fe in the presence of dark, क्योंकि यहां पे Fe catalyst है तो यहां पे electrophilic substitution reaction होगा और जो halogen है वो attack करेगा benzene ring के ortho और para position में, तो ortho halo toluene और para halo toluene जो है वो बनने वाला है। next reaction है दोस्तों, जिस रिएक्शन का नाम है डायएजोटाइजेशन, NaNO2 और HX ऐड किया है यहां पे लो टेम्परेचर पे। अब यहां पे ये जो रिएक्शन है डायएजोटाइजेशन, तो आपको याद करना है इसका प्रोडक्ट है बेंजीन डायजोनियम हैलाइड। बेंजीन तो आपको पता ही है स्ट्रक्चर का नाम है, दो एन है तो दो के लिए डाय, एन को बोलते हैं एजो, प्लस के लिए ईएम होता है और एक्स मतलब हैलाइड। अब ये कैसे हुआ अगर आपको ये समझना है तो मैं आपको समझाता हूं। नेक्स्ट यहाँ पे पेज, इस पेज पे हम समझते हैं बेंजीन पे जो NH2 ग्रुप है सबसे पहले यहां पे लिया होगा NaNO2 plus HCl, तो यहां से निकल गया होगा Na के साथ Cl, NaCl हट गया होगा और यहां से प्रोड्यूस हुआ होगा दोस्तों HNO2, दैट इज नाइट्रस एसिड। ये रहा HNO2 और एक HCl डाला होगा तो यहां पे क्या हुआ होगा, यहां से OH के साथ H, H2 के साथ O, दो H2 निकल गए होंगे, बन गया NNCl। ये शॉर्ट ट्रिक है समझने की, N2 plus Cl minus benzene diazonium chloride, aniline से बना दिया हमने। ये मोस्ट टाइम रिएक्शन है दोस्तों, अच्छे से याद करना है इसको। अगर BDC के अंदर हम ऐड करते हैं CO2X2, benzene diazonium halide जो है उसके अंदर अगर हम दोस्तों ऐड करते हैं CU2X2, N2 is world's best living group, तो N2 पहले निकल जाएगा और X यहां बाकी रह जाएगा, तो X2 बाकी रहा तो इसका मतलब ये बन गया हेलो बेंजीन। अगर ये जो अनस्टेबल इंटरमीडिएट है BDC, अगर उसके अंदर हमने KI ऐड कर दिया पोटेशियम आयोडाइड, बहुत इजी रिएक्शन, के साथ एक्स को हटा दो,
एन टू बेस्ट लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पे अटैच हो जाएगा आई, आई मतलब यहाँ पे बन गया आयोडो बेंजीन, ये बन गया आयोडो बेंजीन। चलिए दोस्तों, आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो प्लीज अगर आप चैनल पे नए हो बेटा तो प्लीज सपोर्ट करो चैनल को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो दोस्तों कि आपके प्रिपरेशन कैसे चल रहे हैं, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में लिखो दोस्तों कि आपको ये वीडियो जो है वो कितना यूजफुल रहा। प्लीज आपका सपोर्ट जो है वो आप शो कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। चलिए अब एक टेबल है दोस्तों पेज नंबर 300 पे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आर एक्स के अंदर अगर हमने ऐड किया होता NaOH, यहां पे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है NaOH एक्वेस होना चाहिए, तो यहां पे Na के साथ निकल जाएगा X, ROH और NaX फॉर्म होगा। यहां पे इन प्लेस ऑफ NaOH KOH भी हो सकता है, तो यहां पे KX निकल जाता, सेम रिएक्शन है, इतना ज्यादा फर्क नहीं है। चलिए नेक्स्ट, आर एक्स के अंदर हम ऐड करेंगे वाटर, वाटर मतलब H प्लस OH माइनस, तो R के साथ यहां से निकल जाएगा दोस्तों OH और H जो है उसके साथ यहां पे निकल जाएगा X, आर एक्स प्लस NaOR डैश। चलिए बेटा Na के साथ X निकल गया, ROR डैश प्लस NaX, आई होप इट इज क्लियर। RX के अंदर हम ऐड करते हैं अमोनिया, R के साथ यहां से निकल जाएगा NH2, तो एक H के साथ X निकल गया, HX अलग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, RX के अंदर हम ऐड कर रहे हैं NaI, R के साथ I हट गया और Na के साथ X, R I प्लस Na X, बहुत इजी रिएक्शन है। आर एक्स के अंदर हम ऐड कर रहे हैं R डैश NH2, तो R डैश NH2 जो है दोस्तों उसमें से एक H, यहां से एक X, HX हट गया, R डैश NH R सेकेंडरी अमाइन ये बन गया दोस्तों। चलिए बेटा आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है आर एक्स के अंदर हम ऐड कर रहे हैं आर आर डैश एन एच, एच एक्स हटा दो बेटा और आर आर डैश एन आर, ये बन गया बेटा टर्शरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन से बन गया टर्शरी अमाइन। चलिए नेक्स्ट, आर एक्स के अंदर यहां पे हम ऐड कर रहे हैं KCN, R के साथ यहां पे दोस्तों निकल जाएगा CN और KX फॉर्म होगा। नेक्स्ट, RX के अंदर दोस्तों हमने ऐड कर दिया AGCN, AGX निकल जाएगा और RNC बनेगा यहां पे, N प्लस C माइनस, आइसोनाइट्राइल बनेगा बेटा। RX के अंदर दोस्तों, RX के अंदर हम ऐड कर रहे हैं KNO2, तो KX निकल जाएगा बेटा और R के साथ यहां पे NO2 जो है, ठीक है, वो अटैच हो जाएगा। बट यहां पे हमें स्ट्रक्चर समझने की जरूरत है, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है बेटा, तो जब आप K के साथ X को निकालते हो तो यहां पे RONO बनेगा, समझ आ रहा है, आर ओ एन ओ, अल्काइल नाइट्राइट, अल्काइल नाइट्राइट बनेगा। आर एक्स के अंदर जब आप ऐड करते हो ए जी एन ओ टू, तो आर एन ओ टू प्लस ए जी के साथ एक्स निकल जाएगा। RX के अंदर हम ऐड करते हैं R डैश C डबल ओ ए जी,
सिल्वर कार्बोक्सिलेट, सिल्वर हैलाइड हटा दो और ये जोड़ दो R-COOR, तो ये ईस्टर ग्रुप जो है वो बन चुका है। चलो बेटो नेक्स्ट, RX के अंदर आप ऐड करो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो हाइड्रोजन इम्पार्ट करता है, तो HX निकल जाएगा और RH बन जाएगा, दैट इज अल्केनो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, RX के अंदर जब हम ऐड करते हैं R-M+, तो क्योंकि मेटल का चार्ज मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है वो X को लेके निकल जाएगा, तो बन जाएगा R-R-, अल्केन फॉर्म होगा और M+ X- अलग हो जाएगा। आई होप ये रिएक्शंस जो है वो आपको क्लियर है, बिल्कुल भी आपको यहाँ पे डाउट नहीं होगा। तो बेटा अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखो कि चैनल आपके लिए कितना यूजफुल है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। चलिए अगर हमारे पास 2-bromopentane है और एरो पे लिखा है एल्कोहलिक बेस, तो आप समझना यहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन होने वाला है। ठीक है, K के साथ Br निकल जाएगा, Br का जो पड़ोसी कार्बन है वो अल्फा है, अल्फा के पड़ोसी बीटा होते हैं क्योंकि 2 बीटा है और दोनों बीटा आप देखो अलग है क्योंकि CH3 है और एक CH2 है, तो यहां से OH के साथ ये H निकल सकता है, तो ये अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड बनेगा, और अगर ये H निकलेगा तो ये अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड बनेगा। तो जैसे कि मैंने बताया दोस्तों 2 प्रोडक्ट यहां पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो है पेंट ट्विन और दूसरा दोस्तों जो प्रोडक्ट है वो है पेंट वनिन। ऑलवेज याद रखो जो टर्मिनल अल्किन होता है वो कम स्टेबल होता है देन दैट ऑफ सब्स्टिट्यूटेड अल्किन। ये है पेंट वनिन और ये है पेंट ट्विन विच इज मोर स्टेबल, ये कम स्टेबल होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 10 से, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में इथाइल हैलाइड में हमने मैग्नीशियम ऐड कर दिया तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा। दोस्तों बहुत इजी रिएक्शन है, एमजी जो है यहां पे अटैक कर देगा, माजी जो है माजी मतलब एमजी, माजी कबाब में हड्डी बन जाएगी, इन दोनों के बीच में आ जाएंगे इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड। चलिए बेटो एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 10 से नेक्स्ट रिएक्शन है RMGX के अंदर हम ऐड करेंगे पानी, पानी का मतलब HOH, तो MGX के साथ OH निकल जाएगा और R के साथ H हट जाएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट रिएक्शन है RX, 2 mole of RX plus 2 mole of Na इन द प्रेजेंस ऑफ अगेन ड्राई ईथर, क्योंकि यहां पे 2 moles of Na है तो वो X को लेके हट गया, तो यहां पे हट गया 2NaX और R 2 है वो कनेक्ट हो जाएंगे, RR हो जाएगा, अल्केन बन गया दोस्तों यहां पे। आई होप दोस्तों ये रिएक्शन भी आपको क्लियर है, बिल्कुल भी डाउट नहीं है इसके अंदर। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन उसके बाद चर्चा करते हैं। दोस्तों अगेन मैं रिपीट कर दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज सपोर्ट अवर चैनल, और अभी अभी मैंने बहुत सारा कंटेंट जो है आपके लिए बहुत यूजफुल कंटेंट जो है वो मैंने दोस्तों यहाँ पे अपलोड किया है, तो वो आप अच्छे से देख लेना एक बार। क्लोरोबेंजीन नेक्स्ट सेक्शन, क्लोरोबेंजीन के अंदर यहाँ पे डाउन प्रोसेस के अंदर जब हम ऐड करते हैं NaOH एट 633 केल्विन तो क्या बनता है, वो रिएक्शंस दिए हैं वो देख लेते हैं अपने।
जस्ट अ मिनट, एनसीईआरटी लोड हो रहा है क्योंकि मुझे एग्जैक्ट एनसीईआरटी लिखना है। मैं मेरे हिसाब से भी लिख सकता हूँ बट एग्जैक्ट जो एनसीईआरटी में वही रिएक्शन समझाना वही आज का टास्क है। तो क्लोरोबेंजीन के अंदर ये जो रिएक्शन है इसमें ऐड करेंगे एक्वेस एनओएच 633 केल्विन 300 एटमोस्फियरिक प्रेशर। ये है हमारा स्ट्रक्चर क्लोरोबेंजीन का, ठीक है। तो कौन सा रिएक्शन होने वाला है, कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे है NaOH 633 केल्विन 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Na के साथ दोस्तों यहाँ पे आप निकाल दोगे Cl को, NaCl हट जाएगा और यहाँ पे बनेगा बेंजीन पे OH, दैट इज फिनॉल बन गया। अब जो रिएक्शन है वो सेम रिएक्शन है, ठीक है। फिर भी यहाँ पे क्योंकि एनसीईआरटी को हम हर एक रिएक्शन को इस लेक्चर में फॉलो कर रहे हैं तो ये रिएक्शन भी लिख देते हैं। यहाँ पे Cl के साथ अगर NO2 ऐड कर रहे हैं तो NO2 की वजह से टेम्परेचर जो है दोस्तों वो हो जाएगा डाउन। तो ये 443 केल्विन पे यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, है ना बेटा। यस, तो यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे NO2। रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, Cl का सब्स्टिट्यूशन होगा OH से, है ना। खाली यहाँ पे NO2 की वजह से क्या हो रहा है, जो रिएक्शन है वो इजी हो जा रहा है, ठीक है ना। देखो क्योंकि अब क्या हुआ 368 केल्विन पे हो गया रिएक्शन। अब OH देख के डर मत जाना, OH का मतलब NaOH ही होता है, समझ लो आप। KOH ले सकते हो यहाँ पे, है ना, बेस लिया है। पर मैंने बताया जैसे आपको वही होना है, Cl हटके OH आ जाएगा, Cl का यहाँ पे हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन। चलो दोस्तों नेक्स्ट है, अगर तीन NO2 होंगे, अगर तीन NO2 ग्रुप है और हमने NaOH डाला, तो अगर सॉल्यूशन को वार्म करोगे और NaOH नहीं होगा ना तो भी रिएक्शन हो जाएगा, पानी होगा तो भी रिएक्शन हो जाएगा। H के साथ Cl निकाल दो, OH आ जाएगा और NO2 तो यहां पे ऑलरेडी है। तो ये जो फाइनल आंसर है इसका नाम है पिक्रिक एसिड। तो ये सब रिएक्शन से हमने यही सीखा दोस्तों कि जितने NO2 ज्यादा उतना रिएक्शन इजी हो जाएगा, समझ आ रहा है आपको। जितने हम NO2 ऐड करेंगे उतना रिएक्शन इजी हो जाएगा, यही सीखना है इसमें से। चलो बेटो ठीक है, यहां पे मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं क्योंकि जब हम फाइल लोड करते हैं ना तो फाइल लोड नहीं होता प्रॉपर गूगल से। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ ही रिएक्शन बाकी है, चैप्टर 10 जो है आपका क्लियर हो जाएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम चैप्टर 11 देखेंगे, 12 देखेंगे और 13 देखेंगे। चलिए बेटा नेक्स्ट रिएक्शन है यहाँ पे एनसीईआरटी में, क्लोरोबेंजीन का क्लोरीनेशन। क्लोरोबेंजीन का जब हम क्लोरीनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3, तो क्लोरोबेंजीन का जो Cl है उसके पास होता है लोन पेयर। तो लोन पेयर की वजह से इसमें जो भी रिएक्शंस होंगे, इसमें नया जो रिएजेंट है इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करेगा ऑर्थो पैरासाइट पे। तो आपको क्लोरोबेंजीन का जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्टर्ब नहीं करना, क्लोरोबेंजीन तो वही रहेगा, खाली ऑर्थो साइट पे और पैरासाइट पे आपको लिखना है Cl, ठीक है। 1,4,1,2 डाइक्लोरोबेंजीन एंड 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। और ये 1,4 वाला जो प्रोडक्ट है, 1,4 वाला जो प्रोडक्ट है बेटा वो मेजर होगा, 1,2 वाला प्रोडक्ट जो है वो माइनर होगा। चलिए बेटा क्लोरोबेंजीन का जब हम नाइट्रेशन करेंगे बाय द यूज ऑफ HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। अब आपको पता ही है नाइट्रेशन में NO2 ग्रुप जो है वो अटैक करता है, तो NO2 जो है वो अटैच हो जाएगा ऑर्थोसाइट पे और NO2 अटैच हो जाएगा पैरासाइट। और आपको पता ही है यहां पे कि जो पैरा प्रोडक्ट है वो मेजर होगा, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट,
अगर हम यहाँ पे सल्फोनेशन करते हैं तो सल्फोनेशन के अंदर SO3 जो है वो अटैक करता है कंसंट्रेटेड H2SO4, हिट करेंगे तो क्लोरोबेंजीन तो रहेगा, SO3 जो है वो ऑर्थो और पैरा पे अटैच हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, क्लोरोबेंजीन जो है उसका हम करेंगे अल्काइलेशन CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो अल्काइलेशन में क्या होता है, यहां पे अल्काइल ग्रुप अटैक करता है बेटा, तो Cl तो रहेगा, मिथाइल ऑर्थोसाइड पे आ गया और मिथाइल आ गया। मैंने बोला ना जितने भी अटैकिंग रिएजेंट है वो ऑर्थो पैरा पे अटैक करेंगे दोस्तों, है ना। चलो बेटा नेक्स्ट, बहुत ही कम रिएक्शन बाकी रह गए हैं चैप्टर नंबर 10 एनसीईआरटी के अंदर। नेक्स्ट CH3CO Cl एनहाइड्रस AlCl3, ये ग्रुप जो आप देख रहे हो एसाइल ग्रुप है, वो यहां पे अटैक करेगा ऑर्थो पैरा साइट पे, ऑर्थो पे COCl3 और पैरा पे COCl3। आई होप समझ आ गया होगा आपको। चलो नेक्स्ट रिएक्शन दोस्तों, बेंजीन के ऊपर X प्लस 2 मोल ऑफ Na प्लस RX इन द प्रेजेंस ऑफ अगेन वही ड्राई ईथर, 2 Na के साथ 2X हट जाएंगे तो बेंजीन के ऊपर दोस्तों यहां पे आ जाएगा R प्लस 2 NaX। ओके स्टूडेंट्स, चलिए दोस्तों नेक्स्ट, If we'll take 2 mole of haloarene, अगर हम haloarene दो बार लेंगे बेटा, ठीक है, और अगर 2 mole of Na add करेंगे, in the presence of dry ether, तो 2 Na के साथ 2X हट जाएगा और दो बेंजीन यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे, दो बेंजीन कनेक्ट हो गए तो बन गया डाय फिनाइल और 2NaX निकल गया। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर होगा। चलो और इस चैप्टर का एनसीईआरटी से लास्ट रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन। तो क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन में क्या होता है, देखो क्लोरोफॉर्म का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, तो COCl2 बनता है, अगेन ये कार्बन एक ऑक्सीजन और दो Cl, COCl2 फर्स्ट जीन और H के साथ Cl निकल जाएगा, क्योंकि यहां पे 2 मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म है, सो विल गेट 2 मोल्स ऑफ COCl2 प्लस HCl, 2 मोल्स ऑफ HCl। तो ये जो COCl2 है इसका नाम है दोस्तों फर्स्ट जीन और कार्बोनाइल क्लोराइड COCl2, इसका नाम है फॉस्जीन और दूसरा नाम है कार्बोनाइल क्लोराइड, इट इज अ पॉइजन, ये पॉइजन है। तो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 जो है दोस्तों वो यहां पे हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसके रिएक्शंस हम कंप्लीट कर चुके हैं, जितने बुक में है उतने रिएक्शन। ये इन पर्टिकुलर में आपको गुजरात बोर्ड की प्रिपरेशन करवाने के लिए यहाँ पे ये वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ। ऐसा ही वीडियो लेक्चर चैप्टर नंबर 11, 12 और 13 का आएगा, तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट बॉक्स में भी लिख दो दोस्तों कि आपको वीडियो कितना यूजफुल रहा, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, आप प्रिपरेशन करते रहे, मैं जयेश सुथार एज ए JS Army यूट्यूब चैनल आपके साथ हूँ, कीप स्टडिंग कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।